लोग तो गाइज आज हम लोग आए स्काई डाइव दुबई। तो गाइज आज मेरे अंकल और आंटी स्काई डाइव करने वाले, बहुत सालों की उनकी विश थी। तो आज हम उनका रिव्यू लेंगे, मस्त सब एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है। और गाइज स्काई डाइव दुबई में दो एक्टिविटीज होती है, गायरोकॉप्टर और स्काई डाइविंग। तो एक साल पहले मई के महीने में मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो उन्होंने गायरोकॉप्टर किया था। तो मैं थोड़ी सी आपको क्लिप शेयर करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे दो एक्टिविटीज होते हैं। और अगर आपने स्काई डाइव का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं अंदर, तो चलो अंदर चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ सब सिस्टम कैसा है यहाँ का, सब एकदम अच्छे से, क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग में कवर नहीं कर पाया था इतना। तो गाइस ये जो स्क्रीन है ये इसलिए यूज होती है ताकि आप अपना वेवर सॉन्ग साइन कर सको। यहाँ पे वीडियो दिखाता है सब सेफ्टी और कैसे होने वाला है, क्या क्या चीजें दिखाने वाले हैं उसका। तो ये सब पढ़ना होता है, कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं आपके, और फिर उसके बाद आपको साइन करना है। ओके गाइस उसके बाद आपको साइन करने के बाद ये एक्सेप्ट करना होगा कि अगर हमारी जान को कुछ होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए रिवर फॉर्म होता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से फॉलो किए जाते हैं। तो गाइस यह जो चेक इन का एरिया है, इस एरिया में बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है, आपका टिकट के बारे में, आपका वेट भी चेक किया जाता है, क्योंकि स्काई डाइव ये जो एक्टिविटी है वो 100 के ऊपर से रेस्ट्रिक्टेड है। आप 100 किलो से ज़्यादा के हो तो नहीं कर सकते यहाँ पे एक्टिविटी। आप टिकट दिखा के ये बैंड लेते हो और फिर अंदर जाते हो। मेरे हाथ में बजर दिख रहा है, ये बजर इस काम के लिए क्योंकि जब आपकी स्काई डाइविंग की फ्लाइट आने वाली होती है बहुत जोर से बजता है। ये खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल किया गया। गाइस देखो इतने बड़े बैग्स में ये पैराशूट्स डाल के फिर इन्हें पहनते, कितना हैवी होगा मुझे इमेजिन नहीं हो रहा कि इतनी ऊपर से इतनी हैवी बैग को पहनकर कैसे जंप कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं लाउंज एरिया में। तो गाइस ये जो एरिया है यहाँ पे कॉफी टी सब खाना और स्नैक्स मिलते हैं, इनके सब जल्दी आ रहे हो और आपको भूख लगी है तो आप यहाँ से आकर खा सकते हो खाना। तो गाइस चलो जानते हैं कि हमारे अंकल आंटी को कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद और उनका रिव्यू भी लेते हैं। हेलो रघुवीर, हाय, कैसा लग रहा है? तो एकदम एक्साइटमेंट है और नर्वस भी है हम लोग। लाइक कितना परसेंट नर्वस? नर्वसनेस 20% और 80% एक्साइटमेंट है। वेरी गुड। कितने साल से करनी थी आपको ये एक्टिविटी? 7 years। 7 years, फिर तो फाइनली आपके ड्रीम पूरी हो गए। तो कैसा लग रहा है आज? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और हम साथ में कर रहे तो बहुत मजा आने वाला है। रुग्वेद मैं इतना एक्साइटेड हूँ, ये मेरी 10th एनिवर्सरी है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय वाइफ, उसने मेरे को ये सरप्राइज दिया है। यहाँ आने तक मेरे को कोई आइडिया नहीं थी क्या होने वाला है, डर तो लग रहा है बट वो साथ में है तो आई एम कॉन्फिडेंट। गाइस आपको ये सब ग्रास वगैरह दिख रही होगी, ये सब स्काई डाइविंग की जो लैंडिंग्स होते हैं यहाँ पे होते हैं। तो गाइस अभी हमारे सब्सक्राइबर मिले, बहुत खुशी हुई, दुबई में कोई सब्सक्राइबर मिला अच्छी बात है बहुत। कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुशी मिल रही है तुझे देख के, मैं सिर्फ तेरे वीडियोस देखा करती थी सो आई फाइनली गॉट टू सी यू लाइव। ओह थैंक यू। नर्वस है थोड़ा सा, मतलब वो नर्वसनेस है सच्ची में? हाथ पे काम रहे आपको है? मैं नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ बर्थडे टुडे। ओह हैप्पी बर्थडे। I saw you 3-4 days back. Is it 3-4 days back? गाइज इस गाड़ी में सब लोग ऐसे जाते हैं और फिर उन्हें एरोप्लेन तक जाना है इस गाड़ी से और फिर उस एरोप्लेन में बैठकर ऊपर जाना है और फिर छलांग मारनी है। गाइज देखो ऐसे पहनाते हैं, अभी मेरे अंकल को पहना रहे और मेरी आंटी को भी पहना रहे। हेलो Please don't let me drown. Please don't let me drown. Please don't let me drown.
अभी अंकल आंटी की स्काई डाइविंग हो गई है, तो चलो उनसे पूछते हैं उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे इस पूरी राइड के दौरान। कैसी लगी आपको स्काई डाइविंग? सिंपली अमेजिंग, बेस्ट व्यू एवर। ऐसे डर लगा कुछ? बहुत ज्यादा, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट, और आपका नंबर कौन सा था? ये फर्स्ट थे, मैं सेकंड। वाह, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में ही एकदम पहले आ गए, मतलब ऐसे कुछ 7 seconds के फ्री फॉल में ऐसे कुछ लगा, एकदम से डर लग रहा होगा ना? हाँ हाँ, फर्स्ट नहीं, मैं 7 seconds में थोड़ा डर लगा था। हम तो बस कैमरामैन ढूंढ रहे थे। अच्छा, अच्छी आनी। तो गाइस, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मेरी मम्मी ने गायरोकॉप्टर किया था, तो उसकी भी मैंने थोड़े से क्लिप शेयर किए, आपको कैसे लगे वो कमेंट्स में जरूर बताना। सब कुछ हमने चीजें देखी। तो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइज, एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं स्काई डाइविंग का जो पुराना वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टिल देन, गुड बाय।